गाइज यार टीवी देखने के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि शिनचैन को स्कूल से उठाना है, मतलब के लेने जाना है, वरना आप लोग सोचोगे कि किडनैपिंग कर रहा है। तो अब जल्दी से जाते हैं। एक काम करता हूँ, चॉप को भी अपने साथ ले लेता हूँ, वो जरूर नीचे होगा। तो यहाँ से जंप लगाते हैं, गोरा चॉप, फटाफट उसके पास जाता हूँ। चॉप मेरी बात ध्यान से सुन। और बोलो फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से तैयार हो जाए, अपने को शिनचैन को लेने जाना है। अरे पर वो तो स्कूल में होगा ना। अरे अब तक उसकी छुट्टी हो गई होगी, तो फिर उसकी स्कूल बस उसको घर पे छोड़ देगी। यही तो प्रॉब्लम है ना, उसकी स्कूल बस खराब हो गई है। अच्छा ऐसी बात है क्या, अब जल्दी से चल वरना लेट हो गए तो वो मेरा दिमाग जाएगा। हाँ ये बात तो है। तो फिर आजा मेरे पीछे पीछे, जल्दी से गाड़ी के पास जाते हैं। चॉप यार जल्दी आना। अरे बस फ्रैंकलिन भैया आ ही गया, मुझे बस एक मिनट दे दो। बैठना यार गाड़ी में, ये क्या रोज रोज का लेट करता है तू। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि तेरी आदत ही ऐसी है। अरे वो मुझे पोटी आ गई थी, इसलिए मैं करने के लिए रुक गया, वरना रास्ते में कहाँ पर करता। तू बस है ना जिंदगी भर हकते ही रहे। अरे ये क्या बात हो गई, हम लोग पहुँच गए शिनचैन की स्कूल के पास। अरे वो क्या है, अब क्या हो गया। वो तो थानोस के पिताजी है ना। अरे हाँ गाइस ये तो थानोस के पापा है ना, पर यहाँ पर क्या कर रहे। अरे जल्दी से पूछ के आओ। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ। ओ अंकल जी यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे थानोस के आगे की कहानी सुननी थी, और मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था, पर मुझे शिनचैन का स्कूल पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मिल लूं। अच्छा ऐसी बात है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया। क्या बात है आज तो टाइम से आ गए। तो क्या तेरे जैसा थोड़ी ना हूं, हर बार लेट करूंगा। अरे ये अंकल यहाँ पर क्या कर रहे है। अरे इनको थानोस के आगे की कहानी सुननी थी ना, क्योंकि उस दिन तो मशीन खराब हो गई थी। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, वैसे सुननी तो मुझे भी है। अब जल्दी से चलो, रुको पहले टोनी को तो पूछने दो, क्या पता मशीन ठीक भी हुई है या नहीं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से पूछो। अच्छा ठीक है अभी फोन लगाता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। भाई साहब क्या बात हो गई, अभी तक टोनी ने फोन नहीं उठाया, ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जल्दी से जाके देखना पड़ेगा। शिनचैन चॉप जल्दी से आ जाओ। मेरे लिए भी रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो बैठो ना जल्दी, तुम दोनों नहीं आ रहे। अरे आ रहे है ना। अच्छा शिनचैन एक बात बता, तेरी स्कूल बस को इन्होंने रिपेयर क्यों नहीं करवाया। अरे मेरी स्कूल तो एकदम गरीब हो गई है, कोई टाइम से फीस ही नहीं भरता। और कितना टाइम लगेगा। अरे बस पहुंच ही गए। तो गाइस जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ। सब लोग आ जाओ मेरे पीछे पीछे, जल्दी से जाते हैं अंदर। ये क्या गाइस सब लोग तो सो रहे, वो भी इतनी देर तक। फटाफट से इनको उठाना पड़ेगा। टोनी जल्दी से उठ जा। और फ्रैंकलिन तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुबह नहीं है दोपहर हो गई है। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। हल्क को प्यारी नींद आई थी, हल्क को फिर से सोना है। अरे हल्क सो जाना, पर कल आज के लिए इतना बहुत है। बोलो क्या हो गया, यहाँ पर कैसे आना हुआ। अरे थानोस के पिताजी आए, इनको थानोस के आगे की कहानी सुननी है, कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ था। अभी जाके मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ, वैसे भी ये रिपेयर हो चुकी है, और ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया। सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे थानोस के आगे की कहानी। जब टोनी को पता चलता है कि थानोस थॉर को हरा के एस्गार्ड से वो तीसरा स्टोन ले जा चुका है, तो वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से उस सोल स्टोन की रक्षा करने के लिए कहता है, जो कि वॉरमीर में था, प्लेनेट वॉरमीर। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो सोल स्टोन इसी प्लेनेट पे होना चाहिए, हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि थानोस यहां पर पहुंचे। वो आधी दुनिया खत्म करना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम सब लोग। अरे भिड़ो अपन तो कब से तैयार है। तो फिर जल्दी करो, हमें अभी निकलना होगा। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आई एम ग्रूट। हाँ ग्रूट मुझे पता तुम मेरे साथ हो। अरे ये क्या, थानोस तो यहाँ पर पहुँच गया, हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। ओ गमोरा मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें वो स्टोन लेने नहीं दूंगी। स्टोन तो मैं लूंगा, और उसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि तुम ही हो जिससे वो स्टोन मुझे मिल सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम जल्दी समझ जाओगी। अब चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं आऊंगी, हम लोग तुझे खत्म कर देंगे। तुम्हारी मर्जी, आ जाओ मैं तुम्हें इतला कर रहा था। ये लो, क्यों फालतू में मार खा रहे हो। अब जाओ यहाँ से, अब तेरी बारी हड्डियों के ढांचे। ये ले, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अब चलो मेरे साथ चुपचाप, वरना तुम्हारे दोस्तों को सच्ची में खत्म कर दूंगा, और तुम्हें पता है मैं मजाक नहीं करता। अच्छा ठीक है, पर प्लीज इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अब आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमें वो स्टोन लेने जाना है, प्लेनेट अर्थ। अब थानोस के पास वो तीन स्टोन है, हमें कैसे भी करके वो सोल स्टोन हासिल करना होगा। पर हम लोग तो कब से बाइक पर है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए प्लेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो स्टोन दूसरे प्लेनेट पर है। फिर तो हमें जल्दी करना चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बोरा प्लेन, अब जल्दी से उसके पास जाता हूँ। और ये हम लोग पहुँच गए, जो भी करना है जल्दी करो। एक काम करता हूँ, इस बाइक को प्लेन के अंदर डाल देता हूँ, वहाँ पर काम आएगी। चलो ये तो हो गया, अब जल्दी से प्लेन को स्टार्ट करता हूँ। और ये चले हम, बस गार्डियंस वहाँ पर सब कुछ संभाल ले। तुम मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तुम बस चलने का काम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले है। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ तुम गलत कर रहे हो। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये मैं किस लिए कर रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं, वो स्टोन यही कहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, अब बस देखती रहो। इह, इह, इह।
ए, अगर पाना है स्टोन तो देना होगा बलिदान, अपनी एक खास चीज कुर्बान करो और ले जाओ वो स्टोन, बिना उसके तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी या फिर यहाँ से लौट जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अब तुम क्या करोगे? मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम ही मेरी सबसे खास चीज हो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ही कुर्बान करूँगा, और याद रखना तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, अब जाओ। वाह क्या बात है, तुमने कर ही दिखाया, ये स्टोन तुम्हारा हुआ। मुझे इसकी ताकत महसूस हो रही है, अब मैं पहले से भी ताकतवर हो चुका हूँ। ये रही वो जगह, अब जल्दी से उतरते हैं। ये कौन सी जगह है? ये प्लेनेट फॉर्मिर है, हमें वो स्टोन यहीं पर मिलेगा। अच्छा ठीक है, पता नहीं ये गार्डियंस कहाँ पर चले गए, उनमें से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, हम जाके वो स्टोन ढूंढते हैं, फटाफट से मेरे पीछे आ जाओ। ये कौन है यहाँ पर? आओ आओ, अब तुम लोग कौन हो? हमारा छोड़ो, और ये बताओ तुम कौन हो? मैं उस स्टोन का रक्षक हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें वो स्टोन चाहिए, बताओ हमें क्या करना होगा? अब ये नामुमकिन है क्योंकि वो स्टोन थानोस ले जा चुका है। ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारी गलती हुई, वो तुमसे पहले यहाँ पर पहुँच गया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब थानोस के पास 4 स्टोन हो चुके हैं, मुझे जल्दी से डॉक्टर स्ट्रेंज को फोन करना होगा इससे पहले कि थानोस उन तक पहुँचे। अरे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। स्पाइडरमैन जल्दी से आ जाओ, हमें तुरंत निकलना होगा, हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा तो यही वो जगह है जहाँ पर वो 5वां स्टोन है, अब इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आ रही हूँ। ये मैं पहुँच गई, ये रहा वो स्टोन तो इसके सर पे है। अरे बहन तुम्हें कौन छो? मेरा नाम प्रॉक्सिमा है और मैं वो स्टोन लेने आई हूँ। अरे सामड़ो प्राक्षिनी माँ, तुम्हें गलत फहमी थी छे, मैं प्राक्षी की माँ नहीं हूँ, मैं प्रॉक्सिमा हूँ, मुझे पता है वो स्टोन तुम्हारे पास है और उसे मैं लेके रहूंगी। अरे बहन वो ना कराए, गड़बड़ थी जासे। गड़बड़ तो होगी ही, अगर तुमने मुझे वो स्टोन नहीं दिया, यहाँ पर आओ, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लो, बहुत बकबक करता है, कहाँ पर चला गया, मेरे सामने आ। ये भी बात छे तो यार ले, तारा तब ढोकड़ा काटी दे। रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये मैंने माफ करी दे जा, मुझे लेडीज ऊपर हाथ नहीं उपाड़ते, पर हमारी मजबूरी छे। अभी तुम्हारी मजबूरी निकालती हूँ, ये लो और ये भी लो, तुम्हें तो आज मैं खत्म कर दूंगी। ये भी बात छे तो आ ले, थोड़ी गर्मी ना मजा ले ले। तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो स्टोन तो मैं हासिल करके रहूंगी। कितलू बकबक कर रहे है, आ ले। तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। अरे अरे ये क्या हो गया, अभी बताती हूँ उसको। ये ले और अब ये खा और ये भी ले, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं। और ये ले, तू तो गई, आ ले, जो चाहे वो कर लो, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे नहीं रोक सकता। अब ये ले और ये भी ले, चुपचाप वो स्टोन मुझे दे दे। चल कोई बात नहीं, ये स्टोन तो मैं खुद ही ले लूंगी, अभी तेरा सर जलाती हूँ, अब ये स्टोन मेरा हुआ। अब जाती हूँ यहाँ से, थानोस सर मेरा वेट कर रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कामयाब हो गई। अब हमारे पास 4 इन्फिनिटी स्टोन है, पता नहीं ये प्रॉक्सिमा कहाँ पर रह गई। सरदार वो आती ही होगी, वो जरूर कामयाब होगी, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। अगर वो कामयाब नहीं हुई तो मैं ही उसे मार दूंगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो स्टोन ले आई हूँ, ये लीजिए। वो क्या बात है, मुझे तुम सब पे नाज है, आखिरकार तुम सब ने कर ही दिखाया, अब बस एक स्टोन की कमी है जो कि मुझे पता है कहाँ पर मिलेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज यहीं पर होने चाहिए, हमें जल्दी से उनके पास पहुँचना होगा। वो यहीं पर होंगे, देखो वो रहे, बाइक को यहीं पर लगाता हूँ, अब आ जाओ मेरे पीछे पीछे। डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी बात सुनो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, थानोस यहाँ पर आता ही होगा। मुझे सब पता है, उसे वो 5वां स्टोन भी मिल गया। ये क्या बोल रहे हो तुम, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अब आखिरी स्टोन सिर्फ तुम्हारे पास ही है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया हम कब पहुँचेंगे? अरे चौब बस पहुँची गए, ये देख। अरे ये आसपास तो बहुत ही सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ हुआ था। अब वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे, जल्दी जल्दी जाते गाइस। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर टोनी भैया ने यहाँ पर आने के लिए क्यों बोला था? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा मत बोलो। अरे चौब मुझे लगता है ना फ्रैंकलिन भैया एकदम सही बोल रहे हैं, जब यहाँ पर कोई है नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कौन बोला? अरे ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज थी, पर वो है कहाँ पर? मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम एक काम करो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे पर हमें नहीं पता आप कहाँ पर हो, टोनी तुम्हें लोकेशन भेज देगा, अब जल्दी से निकलो। अच्छा ठीक है शिनचैन चौब जल्दी से आ जाओ, मुझे लगता है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, पता नहीं ऐसा भी क्या हुआ होगा। अरे वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। अच्छा तो यही वो जगह है जहाँ पर वो टाइम स्टोन है, अब कुछ ही देर में वो हमारा होगा, जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे। सुनो तुम सब लोग, तुम्हारा अंत आ गया है। और ये किसकी आवाज थी, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? हम लोग वो है जो कुछ ही दिनों में इस ब्रह्मांड पे राज करेंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। चुपचाप वो स्टोन हमें दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो,
जान प्यारी है तो वो हमें दे दो। उसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुमने मुझे हरा लिया तो तुम वो स्टोन ले जाना। अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम थानोस के चमचे हो। हम उनके चमचे नहीं है, हम उनके चिल्ड्रंस है जो कि उनकी सेवा करते हैं। और अब तुम नहीं बचोगे। ये लो, मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तुम जैसे कईयों को मारा है और आज तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हारी गलतफहमी है। ये लो, तुमने आज तक मेरी जैसी शक्तियों का सामना नहीं किया होगा। तुम अवेंजर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ नमूने हो। ये लो। और ये तो बहुत ही ताकतवर है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हुआ? हालत खराब हो गई। मैंने पहले ही कहा था। ऐसी बात है तो ये लो, अब तो तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। तुम तो गए। ये लो, और अब ये खाओ। कहाँ पर चला गया? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और अब ये लो, तुम्हें तो मैं जला के राख कर दूंगा। तुम कभी नहीं जीत पाओगे। और अब ये खाओ, पहले ये लो और ये गया। मुझे जल्दी से इसे मारना होगा, इससे पहले कि थानोस यहाँ पर पहुँचे, नहीं तो इनकी ताकत डबल हो जाएगी। और अब ये लो। क्या हुआ? बहुत ज्यादा बोल रहे थे। चलो ये तो गया, अब मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ। अब उन तीनों की बारी, वो भी नहीं बचेंगे। तुम्हारा एक साथी तो गया और अब तुम तीनों की बारी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। यहाँ से भाग जाओ और ये प्लेनेट छोड़ दो। हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम तो यहाँ से जाओगे या तो अपनी मर्जी से या तो मेरी मर्जी से। अब जाओ यहाँ से। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। और ये क्या, बाकी के लोग कहाँ पर गए? कहाँ है वो लोग? वो तो चले गए, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें भगा दिया। चलो ये तो अच्छी बात है, पर फ्रैंकलिन अभी तक नहीं पहुंचा। पता नहीं वो कहाँ पर रह गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये कैसी जगह है? अरे चौप लोकेशन यही का था, तो ये हम लोग पहुंच गए। अरे वो रहे सब लोग। तो गाड़ी को यहाँ पे रोकता हूँ, अब जल्दी से जाते उनके पास। तुम दोनों भी आ जाओ। और ये तो फ्रैंकलिन की आवाज है, तुम लोग पहुंच गए। अरे ये सब छोड़ो और मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। फ्रैंकलिन बहुत ही बुरा हो गया है। थानोस के हाथ में वो 5 स्टोन लग गए और बस 1 स्टोन बाकी है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। हमें कैसे करके उसकी रक्षा करनी होगी। अरे तुम चिंता मत करो, हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, पर अपना यहाँ पर रुकना सेफ नहीं होगा। सब लोग जल्दी से चलो, हमें अभी के अभी निकलना होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से चलो। अब बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? मुझे लगता है ना थानोस डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके ढूंढ ही लेगा। हमारा जगह बदलने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ शिनचैन, इतना मत डर, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अरे ये क्या है? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे जरा पीछे मुड़ के देखो। अबे ये कहाँ से आ गया? ओ तेरी की भाई साहब, हम तो गए। ओ तेरी की क्या लगी है। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से उठो, फटाफट भाग शिनचैन। ओ तेरे की यार, ये क्या हो रहा है, ये तो उठने भी नहीं दे रहा। जल्दी से उठता हूँ। फिर से नहीं यार, कितनी बार गिराएगा? क्या लगी है? अबे यार ये झाड़िया कहाँ से बीच में आ गई? सब लोग कहाँ पर गए? शिनचैन, कोई थानोस ने उन्हें मार तो नहीं दिया? कहाँ पर गए? वो रहे। तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम सब लोग ठीक हो? अरे हम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। हमें तो डर लग रहा था कि आपको कुछ हो तो नहीं गया। हो तो नहीं गया, पर होते होते बच गया। वो थानोस कहाँ पर है? अपने पीछे मुड़ के देखो। ओ तेरी की, अबे ये तो यहीं पर है। क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? वो स्टोन मेरे हवाले कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे चॉकलेट है क्या? तूने मांग ली और हमने दे भी दी। स्पाइडरमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम शिनचैन और चॉप को लेके यहाँ से जाओ, हम तीनों मिलके इसको देख लेंगे। अच्छा ठीक है, शिनचैन चॉप जाओ यहाँ से। फ्रैंकलिन भैया ध्यान रखना। चलो ये लोग तो चले गए, आज तो ये गया। ये ले। अबे कहाँ पर गया? ओ भाई साहब यार, कितनी जोर की पड़ी है। तो गाइस जंग शुरू हो चुकी है, आप लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये ले गोलियां खा। भाई साहब डॉक्टर स्ट्रेंज का मार रहा है इसको, और टोनी भी कम नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग को कौन पसंद है, आयरन मैन या डॉक्टर स्ट्रेंज। फिलहाल तो इसको मारने पे ध्यान देते हैं, कैसे भी करके इसको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आखिरी मौका है। अगर इसके हाथ में वो स्टोन लग गया तो हम सब तो गए। अब ये कहाँ पर चला गया? कहाँ पर गया? अभी तो यही पर था। अरे नहीं 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 नहीं, अचानक से आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बचा लिया भाई। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बस गोलियां मार के इसका ध्यान भटका सकता हूँ, क्योंकि थानोस इसको गोलियों से तो कुछ होने से रहा। मारो मारो, इसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देना है। इसको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा ना तो ये तुरंत वार करेगा। अरे भाई साहब, ये अकेला हम तीनों पे भारी पड़ रहा है, जल्दी से उठ। ये ले, पता नहीं इस गोलियों का इस पे क्या असर हो रहा होगा। थोड़ी बहुत गुदगुदी तो हो रही होगी, पर क्या ही कर सकते गाइस, हमारे पास कोई पावर नहीं है, पर हमारे पास हिम्मत है और वो मैं नहीं हारने वाला। मार टोनी। अनुज को परेशान करके रख दिया इन दोनों ने, बस ऐसे परेशान होकर यहाँ से चला जाए। वो रहे वो लोग, मुझे टोनी की लेजर दिख रही थी, यही पे होने चाहिए थे। वो रहे नीचे, जल्दी से उनके पास जाता हूँ। टोनी मैं आ रहा हूँ। गाइस यार ये क्या हो गया, इसने तो दोनों को हरा दिया, इसने वो स्टोन भी ले लिया। भाई साहब अब क्या होगा, मुझे कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। वो स्टोन मुझे दे दे। अब बहुत देर हो चुकी है, ये लो। अवेंजर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, पर आखिर में जीत थानोस की हुई। उसने पल भर में ही ब्रह्मांड की आबादी को आधा कर दिया। कई हंसते खिलते लोग गायब हो गए, गाड़ियां सड़के सब वीरान हो गई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कभी कोई था ही नहीं। क्या नियति को यही मंजूर था? गाइस यार थानोस ने जब वो चुटकी बजाई थी उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हमारा शिनचैन भी गायब हो गया और बहुत सारे अवेंजर भी। अब तो बस आयरन मैन और चॉप ही बचे। जल्दी से चॉप के पास जाता हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। आधी दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो गई। अरे फ्रैंकलिन भैया कैसे हो, मुझे शिनचैन की बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी
बहुत आती है भाई, पर अब कर ही क्या सकते हैं। देखना वो लोग एक दिन वापस जरूर आएंगे। काश तेरी बात सच हो, मैं भी यही चाहता हूँ। अबे यार ये किसका फोन आ रहा है? तू नहीं, जल्दी से उठाता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोल। मुझे थानोस की लोकेशन मिल चुकी है। क्या बात कर रहा है? अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, वो बूढ़ा हो चुका है। उन स्टोन का उस पे बहुत गंदा असर हुआ था। तुम उसे जाके हरा सकते हो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से जाओ। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाते गाइस। और ये बैठ गया मैं गाड़ी में, इस बार तो उसको नहीं छोड़ेंगे। उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया ना। मैं आ रहा हूँ थानोस, तेरी मौत बन के। गाइस यार डायलॉग तो बहुत मार लिए, पता नहीं हम लोग कर भी पाएंगे या नहीं। पर हाँ एक चीज आप लोग कर सकते हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो। लोकेशन तो यही की आ रही थी। जंगल वंगल में बस गया क्या भाई? कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ। यहाँ पर एक घर है, जरूर इसके अंदर ही होना चाहिए वो। जल्दी जल्दी इसके पास जाते हैं। ये तो बहुत ही पुराना घर लग रहा है, घर भी नहीं ये तो खंडर लग रहा है। कोई नहीं, जल्दी से उतरता हूँ। फटाफट जाते गाइस इसके अंदर। भाई साहब ये तो भूतिया घर लग रहा है, घर के अंदर तक घास उग गई है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर किसी की तो आवाज आ रही है। गाइस यार ये रहा थानोस, यहीं पे छुपे रहता हूँ। ये इस साइड जा रहा है। गाइस यही मौका है, अब लगाएंगे इसकी वाट। ये गया, बहुत ढूंढा तेरे को, आज तो छोड़ूंगा नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। कोई मौका नहीं मिलने वाला, अब सिर्फ गोली मिलेगी। ये ले, सब कुछ बर्बाद करके अभी मौका मांग रहा है। गाइस जल्दी से इसके स्टोन ले लेते हैं। ये रहे वो, जल्दी से निकालता हूँ। तो गाइस फाइनली हमने वो स्टोन ले ही लिए, अब चलते फटाफट टोनी के पास। काश इससे सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा शिनचैन हमारे पास आ जाए। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के निकलता हूँ। मुझे बस एक ही चीज समझ नहीं आ रही, जिन लोगों को थानोस ने गायब किया था वो कहाँ पर गए होंगे, और क्या वो लोग उसी एज में वापस आएंगे या फिर बड़े हो गए होंगे। अब ये सब तो करने के बाद ही पता चलेगा, और वैसे भी हम लोग पहुँच गए हैं। जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर रोकता हूँ और उतरता हूँ। जल्दी जल्दी टोनी के पास जाता हूँ, उससे तो रहा ही नहीं जा रहा। टोनी मैं आ गया। अवेंजर मेंशन भी कितना खाली खाली लग रहा है, बस जल्दी से सारे अवेंजर आ जाए। फ्रैंकलिन क्या तुम्हें वो स्टोन मिले? भाई अगर मिले ना होते ना तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी आगे क्या करेंगे? अब जो करना ये मशीन करेगी, मुझे नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा। अब जो हो चुका है उससे तो बुरा क्या ही होगा, तुम बस कर दो। अभी जाके स्टोन इसमें लगाता हूँ, बस सब कुछ सही तरीके से हो जाए। ये मैंने स्टोन लगा दिए, अब फ्रैंकलिन तैयार हो जाओ, मैं इस मशीन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाइस यार बस होप करो कि सब कुछ सही हो जाए। ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें तो बहुत ज्यादा पावर है। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं? जरा अपना पीछे मुड़ के देखो। गाइस यार क्या बात है, सब लोग वापस आ गए। अरे कैसे हो फ्रैंकलिन भैया, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा इसी बात है क्या? अब मैं तभी कुछ खास नहीं। तो ये था थानोस की कहानी का अंत। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। अरे हमने नहीं मारा, उसके कर्मों ने मारा है। इतना उदास मत हो, थानोस तुमसे बहुत प्यार करता था। ये बात तो है, मुझे थानोस की बहुत याद आएगी। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाके चेक करो हमारे दूसरे चैनल द रियल डूड को, उस पे भी काफी अमेजिंग वीडियो आती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।